हेलो फ्रेंड, जब लाला का स्नान हो गया, हमने उनका श्रृंगार कर लिया तो मेरे हस्बैंड ने हवन पूजन की सामग्री तैयार की, हवन किया, उसके बाद धूप दीप से उनकी आरती की, उसके बाद सारी चीज़ों का भोग लगाया। ये आरती धूप से मैं कर रही थी और मेरे हस्बैंड ने भी सारी पूजा की, उन्होंने स्नान कराया। हर साल हमारे हस्बैंड भी काना का जन्म करते हैं और पूरी पूजा विधान से करते हैं। रात के 12 बजे हम लोगों ने पूजा शुरू की, 1 बज गया था, पूजा कम्प्लीट करते करते और ये देखिए काना जी हमारे सिंहासन पे तैयार बैठे हुए और ये सामग्री सब तैयार है। उसके बाद इन्होंने उनका टीका किया, काना जी का टीका किया और सब तरह से भोग लगाया। 7-9 तरह के हमने उनके लिए पकवान बनाए थे और सभी का इन्होंने बारी बारी से भोग लगाया, साथ में हवन किया। यहाँ पे उनको फूल अर्पण किए। पूरी पूजा बड़ी विधि से की जाती है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि साथ में एक ही बार त्यौहार आता है। उसके बाद कभी भी से लगभग से फल से और जो भी उन्होंने पकवान बनाए थे उससे सब का इनका भोग लगाया। माखन बनाना कभी ना भूलें, माखन उनको सबसे प्रिय है तो माखन जो मैंने सबसे पहले बनाया था, माता मिसी का भोग लगाया, पुआ बनाए थे, पुआ का भोग लगाया और एक खाने का भोग लगाया। उसके बाद जो मुर्गा पाली थी उनका और लड्डू भी बनाए थे। इन सभी का हमने बारी बारी से किया। उसके बाद जल अर्पण किया, पूरे भगवान को सबसे जल से जल को पिला के पूरे भगवान को जल अर्पण किया। ये देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बहुत कायदे से मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब 12 बजे और हम काना का जन्म करें। और ये देखिए फिर ये जो खीरा लेते हैं उसको सिक्के की मदद से नाल से काटा जाता है और ये जितने फूल बचे थे वो सब हमने भगवान जी को अर्पण कर दिए। उसके बाद इन्होंने अग्यारी की, 7-9 बार अग्यारी की जाती है इस तरह से। फिर हमने कान्हा जी को झूले पे बैठा ला और उनको लास्ट में झूला झुलाते हैं। और ये देखिए कान्हा जी को हमने झूले में बैठा लिया है। उसके बाद जो घर को धुआं दिखाया, ये बहुत ही पवित्र माना जाता है और धुआं पूरे घर में होता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये देखिए पूरा धुआं घर में भरा हुआ है और ये देखिए फिर यहाँ पे हम लोगों ने आरती की, सारी पूजा संपन्न हो गई और इसके बाद हम लोगों ने आरती शुरू की। आरती यहाँ पे कन्हैया जी की करनी है, जगदीश की करनी है और गणेश जी की करनी है। तो इस तरह से हमने इनको झूला झुलाया और आरती भी करते जा रहे हैं साथ में। पहले हस्बैंड ने झूला झुलाया, फिर मैंने झुलाया, लास्ट में मेरे बेटे ने झुलाया। ये देखिए कान्हा जी हमारे झूला झूल रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक।